मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और आज मैं आई थी अपने कॉलेज क्योंकि मेरा था प्रैक्टिकल, और ये मधुबनी का महिला कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है तो मैं यहीं आई हूँ। तो हस्बैंड जी अंदर में पिज्जा पैक करा रहे हैं, हम लोग सोचे पिज्जा पैक ही करवा लेते हैं, तो तब तक मैं बाहर में हूँ, आप लोग को चलिए अंदर दिखाती हूँ। ये मेरे कॉलेज के बगल में ही था, तो यहाँ पे हस्बैंड जी लेकर के आए हैं। जो लोग बिहार मधुबनी से होंगे उन सबको पता होगा कि कहाँ पे है। और रोज़ रोज़ तो मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी में ये सब नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभार मेरा बहुत मन हो जाता है तो मैं खा लेती हूँ। और यहाँ सभी पिज़्ज़ा का प्राइस लिखा हुआ है। वैसे तो मैं बाहर घूमने के लिए आती नहीं हूँ क्योंकि आप लोग अगर मेरा ब्लॉग पहले से देखते हैं तो अभी मैं KVS का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो स्टडी के अलावा उतना टाइम ही नहीं रहता कि बाहर घूमने के लिए आई, वो तो कॉलेज पे काम था इसलिए बाहर आई। तो सोची कुछ नाश्ता भी कर लेती हूँ, और घर जाने में तो 2 घंटा का यहाँ से रास्ता, हमारा घर 2 घंटा दूर है। और कौन से बिहार से देखते हैं मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पिज़्ज़ा बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है लगेगा, तब तक मैं खा लेती हूँ पानी पूरी। तो यहाँ देखिए पानी पूरी मिल रही है, तो मैं जा रही हूँ पानी पूरी खाने के लिए। लड़कियों को पानी पूरी बहुत पसंद रहता है और मुझे भी तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे पानी का मतलब अलग अलग टेस्ट था, आप देख रहे हैं नीचे में जितना भी लगा है सब का फ्लेवर अलग अलग है, तीखा मीठा और सब तरह का था। और मधुबनी में आइएगा तो यहाँ पे पानी पूरी ज़रूर खाइएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और वो भी महिला कॉलेज के पास में। तो अब यहाँ से पिज़्ज़ा लेकर के हम जाएंगे मामी जी के रूम पे, और मेरे साथ कल्पना भी आई है, तो पापा और कल्पना गाड़ी में इंतजार करिए, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो कौन से मामी जी के रूम पे जाते हैं चलिए आप लोग को भी दिखाएंगे। तो पिज़्ज़ा पैक करा के हम लेके आ गए अपने गाड़ी में, और यहाँ पे पापा और कल्पना हमारे इंतजार कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे कॉलेज के पास में पार्किंग नहीं था गाड़ी लगाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा साइड में लगा हुआ था। तो फिर हम वहाँ गए और सब लोग मिलके फिर गाड़ी में ही पिज़्ज़ा ख़त्म कर दिए, और भूख भी लग गई थी क्योंकि कॉलेज में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। चलिए हम पहुंच गए हैं मामी जी के रूम पे, और यहाँ थोड़ा चल के जाना पड़ता है, तो बस बगल में ही रूम है। मैं, कल्पना, हस्बैंड जी, पापा जी सब लोग आए हैं, पहुंच गए, यही है मामी जी का रूम। और यहाँ कल्पना जा रही है, मैं भी जाती हूँ अंदर। और यहाँ देखिए टीवी चल रही है मैच, इसमें अभी ये रहे। तो यहाँ देखिए ये कल्पना अपना डॉक्यूमेंट सब ले रही है, हस्बैंड जी भी आ गए। कितने दिनों बाद आए हैं? 15 दिन बाद। यहाँ तो 2 महीने बाद। 2 महीने बाद आए हैं। और कल्पना का एग्जाम है तो ये अपना डॉक्यूमेंट सब ले रही है यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर मामी जी के रूम पे, खाना सब भी हो गया है, सबसे मिल लिए, और काफ़ी देर रुके हम, और शाम हो गई है। घर जाते जाते 2 घंटा तो लग जाएगा, और आज संडे था लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल था तो कॉलेज पे तो आना पड़ा। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और मैं तो गाड़ी में सोते हुए जाती हूँ।